विदेशी बाजारों में कमजोर रुख के बीच देश भर के तेल तिलन बाजारों में शुक्रवार को सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, सीपीओ, पामोलिन सहित लगभग सभी तेल तिलनों के भाव में नरमी रही। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में 0.1% की तेजी है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल 1% की गिरावट। सूत्रों ने कहा है कि शिकागो एक्सचेंज की गिरावट की वजह से सोयाबीन के भाव प्रभावित हुए हैं और इसका असर बाकी तेल तिलहनों की कीमतों पर दिखाई दिया, जिनके भाव कमजोर बंद हुए। सोयाबीन के तेल रहित कल यानी कि DOC की निर्यात मांग काफी कम है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान इसका पर्याप्त मात्रा में निर्यात हो रहा था। DOC की मांग कमजोर होने से सोयाबीन दाना और लूज तथा सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट आई है। सोयाबीन की आवक बाजार में काफी कम है। देश भर की मंडियों में सोयाबीन की आवक 3.5 लाख बोरी से भी कम हो गई है। सूत्रों के अनुसार CPO और पामोलिन तेल के आयातकों को भारी नुकसान है, जिन्हें आयात से काफी कम भाव पर बाजार में अपना माल बेचना पड़ता है। ये आयातक रोज की मंदा और तेजी से परेशान है। दूसरा, बेपरता कारोबार की मजबूरी उन्हें परेशान किए हुए है। इससे आयातकों द्वारा कारोबार के लिए बैंकों से लिया कर्ज के डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। गिरावट के आम रुख के बीच सरसों तेल तिलन के भाव भी कमजोर रहे। मलेशिया एक्सचेंज में मजबूत होने के बावजूद गिरावट के आम रुख के बीच बेपरतक कारोबार के कारण CPO और पामोलिन तेल के भाव हानि दर्शाते बंद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।